हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th एनसीईआरटी चल रहा है। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, टॉपिक 2 है ना। फोर्थ क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चों, उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर चार्ज जो रखा है 1.6 का है, 10^-7 है और यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस है ना, सर्फेस पे ही रखा हुआ है। तो कंडक्टर हॉलो है या सॉलिड है कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्फेस पे आ गया चार्ज आपके। तो है आपके पास व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड केस 1 इनसाइड द स्फीयर। तो पढ़ लेते हैं फटाफट। ये आपके पास एक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर स्फेरिकल। फिर अपन के पास कह रहा है कि चार्ज को सरफेस पर रखा है। तो डाउट अगर आता है कि चार्ज अंदर भी आ जाता है, तो भी बच्चों अगर चार्ज अंदर है तो हमने गॉस लॉ से पढ़ा हुआ है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऐसा पुश कर देती है जब तक ये सरफेस पर नहीं आ जाता और खुद अपने आप को जीरो कर लेती है। तो ये तो अपन को बात पता है कि कंडक्टर से फील्ड का इनसाइड में कितना आंसर आता है, जीरो, बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड इट, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट के लिए सॉल्व करने जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका इनसाइड, जो फॉर्मूला होता है बच्चों के क्यू, कोई भी एक आर्बिट्री डिस्टेंस अपन मान लेते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे एक एक्स का टर्म मान लिया, तो के क्यू बाय एक्स, सिंस द चार्ज इज जीरो, आप बोल सकते हो कि सर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो। ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। फिर कहता है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर बताइए। तो अगर अपन बी पार्ट को सॉल्व करें तो जस्ट आउटसाइड का मतलब है कि इसके रेडियस को काउंट करके आपको बच्चों है ना, इसके रेडियस को काउंट करके यहाँ कहीं बताना है, राइट। तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस दैट शुड बी के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट होती है और मैक्सिमम होती है, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हम पढ़ के आते हैं स्फेरिकल कंडक्टर्स तो ये बात समझ सुनाई जाती है। फिर बच्चों यहां से अगर सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 3, इसको कट करता हूं तो हो जाएगा 0.04, फिर 3 से कट करूंगा तो ये कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0.04, ठीक है। अब अगर मैं यहां से डेसिमल्स वैल्यूज को यहां से हटाता हूं तो ऊपर मुझे मिल जाएगा 10^4, ठीक है। और इस 4 को कट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.4, फिर इस 4 को कट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.1। अगेन आपको समझ में आ रही बात है, ये 0.1 है, मतलब 10^-8 का टर्म हो जाएगा, 8 में से 9 होंगे तो 1 बचेगा। अल्टीमेटली अपन को मिल जाएगा 1×10^5 और इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म है तो मतलब साफ है कि हो जाएगा न्यूटन्स पर कूलम, मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज का टर्म होता है। तो ये अपना आंसर मिल रहा है। सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। कहता है एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सेम क्वेश्चन है, आपको ई लिखना है यहाँ पे और आउटसाइड पढ़ना है। तो हो जाता है जहां तक की पढ़ाई होती है वो लिखते हैं, मतलब ये जो चार्ज है ना बच्चों, शेल थ्योरम में प्रॉपर्टी बताई जाती है कि चार्ज अगर सरफेस पे भी होता है तो उसको सेंटर पे ही माना जाता है और वहां से देखा जाता है कितना दूर पढ़ाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आर का टर्म और यहाँ पे पी है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की पता करनी है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ से डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, इस सरफेस का चार्ज सेंटर मान लेते हैं। तो वही है आपके पास के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर दैट इज 18 सेंटीमीटर। अगेन आई विल बी राइटिंग, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो के का टर्म होता है 9×10^9, क्यू का टर्म है 1.6×10^-7 और आप देखो अच्छे से, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर मतलब 0.18 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल में 18। तो इसको बच्चों 3 से कट कर लो तो ये हो जाएगा 0.06। अगेन 3 से इसको भी कट कर लो तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में हो जाएगा 0.06, ठीक है। फिर अपन और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से डेसिमल्स मैंने हटा दिए हैं बच्चों, तो ऊपर अपन को मिल जाएगा 10^4 का एक टर्म और यहाँ है 1.6, तो ये हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 36 का टर्म और मल्टीप्लाई में 10^9 हो जाएगा 9 और 4 मतलब 13, 13 में 7 चले जाएगा तो कितना बचेगा, ये अपने पास बचेगा 6 का टर्म, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट बच्चों, इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9, 4 से कट कर दिया मैंने, ये हो जाएगा डेसिमल लगा के, राइट, ये हो जाएगा 4। तो 0.4 डिवाइड बाय 9×10^6 का टर्म मिल रहा है, तो ये बना लेगा बच्चों 0.044×10^6 और आई कैन राइट 4.4×10^4, राइट, ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्स। तो ये अपना आउटसाइड का आंसर है, राइट, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये अपना आउटसाइड का आंसर है, ये सरफेस का आंसर है और इनसाइड तो जीरो होता है, सभी बच्चे जानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं।